हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एआई की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 596 है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आप लोगों को पैकेज 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज़ शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें ही मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें फर्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 62 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 84 वैकेंसी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 440 और जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए 10 वैकेंसीज है। टोटल कुल मिला के 596 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का BTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का BTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का BTech किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग आर्किटेक्चर डिसिप्लिन में से बैचलर्स किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग गेट 2020-21 और 2022 पे क्वालिफाई किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए अगर आप लोग गेट 2022 पे क्वालिफाई किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। जो लोग गेट 2020 से पहले क्वालिफाइड है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या तो एपिक्स इंस्टीट्यूशन लाइक किसी भी IITs, NITs, IIM और IIMS में से पास आउट किए हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके BTech और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 22 दिसंबर 2022 से, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 21 जनवरी 2023। इसमें आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स नोटिफिकेशन होगा उसके लिए डेट आप लोग को बाद में नोटिस के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 इयर्स लगे 27 इयर्स तक रहा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोगों को टोटल CTC 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके गेट 2020-21 और 22 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होने के बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आप लोग को वेबसाइट में से मिल जाएगी। इसमें आप लोग का जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन होगा वो न्यू दिल्ली पे होगा। अगर आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद 6 मंथ्स के लिए आप लोग को ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आप लोग को सैलरी 40,000 प्लस अलाउंसेस पर मंथ मिल जाएगी, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल CTC 12 लाख पर एनम मिल जाएगी। और 6 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा, और परमानेंट होने के बाद आप लोग को सेम CTC मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा।
एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे इसके पहले का भी अपेंडिसिप किए हो तो उस केस में यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। इसमें जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन कॉपीज अपलोड करना होगा, जिसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है और उसके साथ फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फॉर्मेट और साइज भी यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लेना। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री या डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।